तो दोस्तों ये जो कंडीशन आपने देखा ये है हमारे सिम का कंडीशन, जो कि हाल फिलहाल में मतलब परसों ये जो मेरा सिम था वो बंद हो गया था। ठीक है, ये सिम मैंने कैसे चालू किया, क्या कुछ प्रोसेस था, उसके बारे में आज के इस वीडियो में फुल डिटेल नॉलेज आज के इस वीडियो के जरिए देने वाले हैं। साथ ही कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पर हम कवर करेंगे इस सिम के बारे में, जैसे कि अगर आपका एयरटेल का सिम है वो खो गया है या फिर डैमेज हो गया है मतलब टूट गया है, कैसे चालू करना है, उसके बारे में भी आज के इसी वीडियो में हम वो सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। ठीक है, ये जानकारी एक बहुत ही सही, जिस तरीके से मैंने जियो के मतलब सिम के बारे में दिया था आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्यार मिला। ठीक है, उसी तरीके से इस वीडियो में एक सही जानकारी और डिटेल में जानकारी ठीक है आप लोगों को यहाँ पे देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें कैरियर डेवलप्ड यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और ये फ्री है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको हम दो प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहला एक ट्रिक की सहायता है जिस तरीके से मैंने जियो में बताया था, और दूसरा प्रोसेस हम बताएंगे मतलब एयरटेल स्टोर पे आके मतलब आपको जा करके फिर आपको चालू कराना पड़ेगा। ठीक है, सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा जो ट्रिक वाला जो भी चीजें हैं उसको एक बार कर लीजिएगा, अगर आपका चालू हो जाता है तो ठीक है। और ये जो ट्रिक है आपका मतलब कि आने वाले समय को भी प्रोटेक्शन देगा, मतलब कि अगर यहाँ पर आप जा करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर देते हैं तो आगे आने वाले समय में अगर आपका कभी भी सिम बंद हो जाता है, ठीक है, मतलब ऐसा हो ना, अगर हो जाता है ठीक है, तब आप उस ट्रिक की सहायता से आप चालू कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर अगर आप रजिस्टर करे रहेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आपको एक फायदा मिल सकता है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जब आप इस पे सिंपल सा आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, यह एप्लीकेशन आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है अपने स्मार्टफोन में, उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं हमारा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है, यहां पर ओपन वाला ऑप्शन हमें दिखा रहा है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाएगा, उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं ये जो सबसे ऊपर आपको दिखा रहा है नमस्ते हेलो, तो ये चीजें दिखा रहा है कि ये किस किस लैंग्वेज में उपलब्ध है। ठीक है, जो भी आपका लैंग्वेज है उसके हिसाब से ये एयरटेल बेस्ट है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में है। तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिखेगा लेट्स स्टार्ट, उस पर आप क्लिक करेंगे, कुछ परमिशन आपको देना होगा जैसे कि अलाउ हम कर दे रहे हैं, उसके बाद लोकेशन अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यह थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। अब आपको एक नंबर डालना होगा एयरटेल का, जो भी आपका नंबर है, मतलब कि ये नंबर वो नंबर नहीं होना चाहिए जो कि आपका बंद हुआ है, क्योंकि उस पर यह ओटीपी भेजता है। तो आपके फैमिली में किसी भी व्यक्ति के पास, आपके दोस्त के पास, जिसका भी कोई भी एयरटेल का नंबर हो वो यहाँ पर आप डाल दीजिए, उसके बाद में वो फोन आपके पास ही रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम एक नंबर डाल दे रहे हैं। ठीक है, नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में ये ओटीपी चला जाएगा उस नंबर पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया और स्वयं ही यह ले लिया। ठीक है, यह खुद ही वेरीफाई होकर लेगा कि ये आपका सिम है या फिर नहीं। ठीक है, और अगर दूसरे फोन में है, छोटे वाले में है, तो आप उसका ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये यूपीआई आईडी बनाने के लिए बोल रहा है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बहुत सारे इससे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अभी हम ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये उसके बाद में आप कर दीजिएगा नॉट नाउ, और यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट नंबर भी अगर अलाउ करना चाहे अलाउ कर दीजिए, नहीं तो आप डेनी भी कर सकते हैं, मतलब छुपा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है उसके बारे में आप ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर एक आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, हेडफोन जैसा, उस पर आप क्लिक करना है, थोड़ा सा प्लीज वेट करके आएगा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे नीचे आप आ जाएंगे। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे पर आप आएंगे तो यहाँ पर गेट न्यू सिम पर आपका आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, एक नंबर मतलब जो भी अब आपका सिम बंद हुआ है या फिर डैमेज हुआ है या फिर लॉस हो गया है, वो सिम का नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, हम एक डाल दे रहे हैं। हाँ, तो ये ले लिया। उसके बाद में दो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है एक लॉस सिम और दूसरा है डैमेज सिम। ठीक है, अगर आपका सिम गुम हो गया है तो यहाँ पर उसका मतलब जो भी आपका जिसके भी नाम से सिम था उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप चूज कर लीजिए। ठीक है, हम एक सिंपल सा आप ले रहे हैं, आप ले लीजिएगा। और यहाँ पर एक मतलब रजिस्टर आधार कार्ड पिन कोड, ठीक है, जो भी आपने आधार कार्ड दिया था उसका पिन कोड डाल दीजिए और किस हैंडसेट में लगा हुआ था वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। बहुत सारे हैंडसेट का यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, जो भी आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। हमारा मतलब कि भी लॉस नहीं हुआ है तो इसलिए हम ये चीजें नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये देखिए डैमेज हो गया है तो यहाँ पर आप पिन कोड डालिएगा, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है डाल के सबमिट करेंगे तो आपके एरिया में कहाँ पर भी एयरटेल का स्टोर है और वो आपको दिखा देगा, आप जाके वहां से फ्री में मतलब सिम कार्ड ले सकते हैं, थोड़ा बहुत चार्ज ये कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपको ये चीजें यहाँ
यहाँ पे फ्री में करके दे देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने जो पहला प्रोसेस था वो समझ लिया, जान लिया। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं सेकेंड प्रोसेस के बारे में, जिसमें आपको स्टोर पर जाना होगा। चाहे आप एयरटेल के स्टोर पर जा सकते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी जो कि मोबाइल वोबाइल बनाते हैं बेचते हैं उनके आप स्टोर पर जा सकते हैं। ठीक है, मैं भी गया हूँ एक मोबाइल फोन स्टोर के पास जहाँ से मैंने चालू करवाया। उसमें क्या क्या चीजें लगती है वो जान लीजिएगा। सबसे पहले जिस नाम से सिम था, ठीक है, वो सिम जो कि आपका बंद हुआ है, जो कि पहले जिसके नाम से था, वही आदमी अपना आधार कार्ड या फिर कोई और आइडेंटिटी कार्ड लेके जा सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप प्रेफर करिएगा आधार कार्ड, उसको आप लेकर जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक चीज आपको यहाँ पर बताना रहता है कि लास्ट दिनों में आपने, मतलब कि जैसे कि मेरा सिम कल या परसों बंद हुआ, तो परसों मैंने उस मतलब सिम को किस डिवाइस में लगाया था, किस मोबाइल फोन में लगाया था, वो चीजें आपको बताना होता है, मतलब विथ आपके मॉडल नंबर के साथ। ठीक है, जैसे कि मैंने मतलब पहले जो कि मेरा सिम बंद हुआ था उसमें मैंने सैमसंग का फोन यूज कर रहा था उसमें लगा करके, तो वो था सैमसंग i1862। ठीक है, ये उसका मॉडल नंबर था, तो वहां पे डालना पड़ता है ये चीजें। उसके बाद में बाकी सब चीजें आप देख सकते हैं, जैसे कि उसके बाद में आपका आधार कार्ड का फोटो लिया जाएगा, उसके बाद में कुछ देर बाद बाकी सब डॉक्यूमेंट फिलअप करने के बाद उसके बाद में आपका एक फोटो लिया जाएगा जिसका मतलब आधार कार्ड होता है थोड़ा सा इस तरीके से जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद में एक आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर लिया जाता है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मतलब सेकेंडरी मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी जाता है, उस पर ओटीपी जाने के बाद ओटीपी डालकर वेरीफाई करना होता है कि ये जो मतलब अल्टरनेटिव नंबर है ये आपका ही है। ठीक है, ये एक सेकेंडरी नंबर होता है जो कि आपको कभी मतलब की दिक्कत या परेशानी में ये चीजें काम आती है। ठीक है, जो भी आपका पर्सनल नंबर हो वो डाल दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये जो स्टोर वाला है जो कि मतलब सिम आपका एक्टिवेट कर रहा है उसका फोटो लिया जाता है, उसके बाद में आपका सिम 2-3 घंटे बाद वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, मेरा भी सिम एक्टिवेट हो गया है, यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक है, ये है मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो मेरा सिम है। तो मोबाइल नंबर मोबाइल फोन वाले से जब आप चालू करा लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दे देते हैं, इसमें आपका सिम रहता है। ठीक है, इसमें आपको डालकर दे देंगे, मतलब इसमें लगान रहता है और ये बारकोड स्कैन करते हैं वो। ठीक है, उसके बाद में ये 2 घंटे बाद अगर आप वहां से चालू करवा के आ जाएंगे 2-3 घंटे बाद ये चालू हो जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रिजेक्ट होने का प्रोसेस मतलब जो प्रक्रिया होता है वो कम होता है, और जियो वाले में थोड़ा सा रिजेक्ट वाला बहुत ज्यादा होता है। रिजेक्ट मेरा हो गया था, मैंने दूसरा कोई आधार कार्ड दे दिया था, अपडेट करवा लिया था, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया भी था, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, क्या उसी बात को बार बार दोहराएं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको दे देंगे, 2-3 घंटे बाद आप उसको लगा करके चालू कर लीजिएगा, आपका सिम झकाझक चलने लगेगा। ठीक है, तो आशा करेंगे कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एक सही जानकारी आप लोगों के साथ हमने आज की इस वीडियो में शेयर करने का प्रयास किया। इस वीडियो को लाइक और अपना प्यार जरूर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।